वहीं में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से प्रवर्तन निदेशालय को चुड़ियों की सौगात देकर निषेध आंदोलन किया गया। प्रशासन के माध्यम से निवेदन देकर राष्ट्रवादी के नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया ये आंदोलन देखते इस खबर में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का विरोध पूरे राज्य में हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में वनी में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से स्वप्निल धुर्वे के नेतृत्व में ईडी के अधिकारियों को सांकेतिक रूप से चूड़िया भेंट देकर निषेध किया गया। तदुपरांत उप विभागीय अधिकारी को निवेदन देकर इस कार्यवाही का निषेध दर्ज किया गया। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाए जाने वाले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजनीतिक द्वेष भावना से नवाब मलिक के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई लोकतंत्र के लिए घातक है। ईडी में कार्यरत अधिकारी केंद्र सरकार के खिलौने बने हुए हैं। इतिहास में आज तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के तहत केंद्र सरकार इस तरह की करतूतें कर रही है, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी के जिला महासचिव स्वप्निल धुर्वे ने इस समय लगाया। साथ ही पोस्ट विभाग के माध्यम से चूड़ियों का डिब्बा भेजकर इस कार्रवाई का निषेध किया। तदुपरांत उप विभागीय अधिकारी को निवेदन दिया गया। इस अवसर पर सूर्यकांत खाड़े, विजय नगराले, तहसील अध्यक्ष हेमंत गावंडे, शहराध्यक्ष मनोज बागटी, राजू उपरकार, गुरुवन टोंगे, रामकृष्ण वैद्य, वैशाली तायडे, नागपीरकर, प्रणय बल्की, बंडी प्रेमकुंटावार, सचिन वालदे, जयसवाल, सचिन चौहान, प्रणय बल्की, अनिकेत थेरे, संदीप भांदककर आदि उपस्थित थे। वनी से सीटीवी के विशेष संवाददाता दिलदार शेख की रिपोर्ट।